साल से तीनों सालों तरफ ऐसी लहर थी है, वो सुबह पाट दी चौड़ी जगह हो गई। नमस्कार दोस्तों, चस्काई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ हल्द्वानी में, जो कि मेरा नेटिव टाउन है, और यहाँ पर लगा हुआ है पुस्तक मेला, जिसको कहते हैं किताब कौतिक। तो हल्द्वानी के किताब कौतिक में आपका स्वागत है। इस किताब कौतिक का वेन्यू है HN इंटर कॉलेज। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं और किस किस्म की किताबें यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे पहले मुझे दिखा है आरंभ करके, आरंभ पढ़ने की संस्कृति है, काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। चलिए इसमें देखते हैं किस किस्म की किताबें यहाँ पर हैं। किस किस्म की किताबें हैं ये आरंभ में, और आरंभ क्या है? मैम आरंभ हम जैसे युवाओं का कुछ ग्रुप है जो पढ़ना पसंद करते हैं और कल्चर ऑफ रीडिंग को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम पिथौरागढ़ से हैं वैसे। अच्छा। तो जितने आप स्टॉल देख रहे हैं, हमने कैटेगरी वाइज हर तरह का साहित्य रखा हुआ है। अच्छा। से उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको एक क्लासिक्स दिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर के, जैसे यहाँ जॉन पॉल सार्ट्र, अल्बर्ट कामू, जीन अचेबे और मार्सल प्रूस्ट, इस तरह के सारे लेखक होंगे। और इस तरह सामने जैसे यहाँ पूरा अंग्रेजी साहित्य का है। अच्छा। हेमिंग्वे है, नोबेल पुरस्कार विजेता। हाँ। इस बार के ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नई किताब आई है, योन फॉसे, जिन्हें इस साल नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा। साहित्य का। अच्छा, किस देश के हैं ये? ये नॉर्वे के हैं। अच्छा। स्कैंडिनेवियन है। हाँ। और ये फिट्ज़गेराल्ड पब्लिशर्स का है। ये पिछले साल एनी अर्नो थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, ये इनकी किताब है। और ऐसे ही मेरे फेवरेट राइटर मार्केज 1982 के नोबेल पुरस्कार भी। दिखाइए दिखाइए आपके फेवरेट मार्केज हैं। तो किताब का कवर आप दिखा सकते हैं। अच्छा, गैब्रियल मार्केज। ओके। रहता ये है कि हम जिन लेखकों को हमने पढ़ा है, जिन लेखकों को हम जानते हैं, तो हम उनकी किताबें क्यूरेट करते हैं, किताबें मंगाते हैं और इस तरह से हम स्टॉल्स लगाते हैं। तो ये किताबें तो बहुत महंगी होती होंगी। जी 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 ना, क्योंकि ये तो विदेशी इंग्लिश के लेखक है। तो क्या आपके क्या रेट्स हैं लेकिन यहाँ पर? जी हम जैसे हम पब्लिशर से वैसे नहीं मंगाते हैं कटिंग। हाँ। हम छाटी ही मंगाते हैं, तो डिस्काउंट जितना हमें मिलता है उतना देते हैं, क्योंकि मतलब गोल यह नहीं है कि किताबें बिके, यह रहता है कि सही हाथों में जाए किताबें, एक हम रीडर से कनेक्ट कर पाएँ, बातचीत हो पाए और कल्चर ऑफ रीडिंग को आगे बढ़ा पाए। तो पर्पज़ यह है हमारा, तभी हम किताबें कुछ छाटते हैं, सेल्फ क्यूरेटेड किताबें हैं। जैसे ये गैब्रियल मार्केज़ की किताब कितने की है? अलग अलग किताबें ऑफ लव एंड अदर डीमंस होती है 225 की, 250 की है। 250 की तो सही है। और जो चैनल के पास लगा हुआ ये किताब होगी 550, अलग अलग रेंज पर है। भविष्य में नीट का पेपर देने जा रहे हैं, जेईई का पेपर देने जा रहे हैं, और जो बच्चे देना चाहते हैं साइंस को लेकर, ओरान बामू की, ये भी 2003 के नोबेल प्राइज विनर राइटर हैं। इस बीच इनकी इस्तांबुल मेमोरीज ऑफ द सिटी पढ़ी थी मैंने, कमाल की किताब। ये किताब बहुत अच्छी है। कितने की है ये? ये मैंने बुक फेयर में देखी थी और मैं खरीदना भूल गई। ये भी वही 540 के आसपास की है। अच्छा। ये अलग अलग राइटर्स हैं, ये पुराने क्लासिक्स हैं, जैसे आपने लिटिल वुमेन का नाम सुना होगा, एनिमल फार्म का नाम सुना होगा, फ्रैंकेनस्टाइन का नाम सुना होगा, ये क्लासिक्स किताबें हैं, क्लासिक एडिशन है। अच्छा। ये होंगी 180 से 200 वाली होंगी। अच्छा। और इस तरह से यहाँ साइंस का सेक्शन है, स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस और इन सब की किताबें होंगी। वहाँ हिस्ट्री वाला सेक्शन है, और इस तरह से यहाँ हिंदी लिटरेचर का सेक्शन शुरू होता है, जो पब्लिशर वाइज हमने अलग अलग ला रखा है। जैसे पेंगुइन हिंदी का है, राजकमल है, राजपाल है, और आप उस तरफ को जाएंगे तो वहाँ उत्तराखंड रिलेटेड किताबें होंगी, पहाड़ पब्लिशर्स वगैरह, और उसके बाद बाल साहित्य। तो कोशिश ये रहती है हर तरह की ऑडियंस के लिए सेल्फ क्यूरेटेड और अच्छी किताबें हम अवेलेबल करा पाए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आरंभ में काफी इंटरेस्टिंग किताबें मिली। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से पब्लिशर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राकेश की रेफरेंस पर ओरहान पामुक की इस्तांबुल मैंने ले ली है। आरंभ का स्टॉल वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये इसका बच्चों वाला सेक्शन है जिसमें मेरी काफ़ी दिलचस्पी है। चलिए इसको भी अंदर से देखते हैं। हमारा स्टॉल यहाँ से वो कॉर्नर तक है, तो लगभग 40+ पब्लिकेशन हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से बाल साहित्य है, बाल साहित्य में 4 से 5 अलग अलग प्रकाशन है, उसके बाद फिर सारा राजकमल और इस तरीके का पेंगुइन, सारे प्रकाशन यहाँ तक का। वो एक
किताब जो आप रेफर करना चाहेंगे? वो अकॉर्डिंग टू रीडर ही हम लोग वो देते हैं, एडवाइस करते हैं। बाकी फिर जो यहाँ पर आकर के पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, और अगर कोई ऐसी किताब लगी जो उसको अच्छी लगी तो ले जा सकता है। अच्छा, पढ़ भी सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। इसमें देखिए सुते, ये तो यहाँ का नाम नहीं है। नहीं, यहाँ का है ना, ट्रांसलेशन है ये, ट्रांसलेशन। हाँ, तो ये पहले रशियन रहा होगा ना, जो सोवियत वाला लिटरेचर आता था पहले। हाँ, इतनी सुंदर उसी में आते थे। एक दिन रूसी चित्र बना रही थी, तभी पूसी आई और छलांग मारकर उसकी कुर्सी की पीठ पर जा बैठी। बहुत सुंदर है इलस्ट्रेशंस। दोस्तों, एकलव्य प्रकाशन की यह किताब है, रूसी और पूसी की सुंदर कहानी है, सुंदर इलस्ट्रेशंस के साथ है। एक दिन रूसी ने पूसी के लिए एक घर की तस्वीर बनाई, पूसी उसमें अपनी पसंदीदा चीज़ें बनवाती गई। फिर क्या हुआ, क्या पूसी उस घर में रहने गई? प्रेमचंद की ईदगाह। अच्छा, ये भी एक बहुत ही उम्दा कहानी वाली ये किताब है, और इसके इलस्ट्रेशंस भी उतने ही खूबसूरत हैं। माती है मिट्टी का इत्र, तीसरा दोस्त, एक चुप्पी जगह। बच्चों का बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेचर यहाँ पर है। गर्मियों में एक बार, रॉबी, बिल्ली के रात दिन, पढ़ना जरा सोचना, आपा की आपड़ी। बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर जादुई दुनिया रचने वाले रचनाकारों, चित्रकारों की कृतियां हैं यहाँ पर, जिसमें दिलीप चिंचालकर हैं, एलन शॉ हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, केजी सुब्रमण्यम हैं, गुलजार, तेजी ग्रोवर, तापसी घोषाल हैं, और कमला भसीन की भी कृति मुझे दिखाई दी है। एक लव्य प्रकाशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मुझे दिखाई दी है, जिसका नाम है बेटी करे सवाल, किशोरियों एवं महिलाओं के लिए ज़रूरी किताब। चलिए इसको अंदर से देखते हैं। ये बैग पकड़ा दे। एक मेरे को दे दे, बिलिंग वहीं दे देना। किशोर पहला भाग नाचती गाती हैं, पढ़ती हैं, हंसती हैं, साइकिल चलाती हैं, खेलती हैं, अपने पसंद की चीज़ें खाती हैं, झूला झूलती हैं, मांडती हैं। अपने शरीर को लेकर हमारे मन में कई अलग अलग धारणाएं होती हैं। तुम बड़ी हो रही हो, कितने हॉर्मोन्स हैं बॉडी के, क्या क्या पार्ट्स हैं, लड़कियों के शरीर की संरचना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, और ऐसी किताबें बहुत पहले से आ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब ये किताब कम से कम पब्लिक प्लेस पर अवेलेबल है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये एक नई बात भी है। माहवारी क्या है, लड़कों के बारे में कुछ बातें, कितने अच्छे इलस्ट्रेशन से हर एक चीज़ इसमें समझाई हुई है। माहवारी का पहला अनुभव, सवाल एवं समस्याएं, आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाएं, लगभग सारे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें कवर किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं। मेरा अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसमें दिए हुए हैं। किशोरावस्था से जुड़े कुछ सवाल, एनीमिया क्यों होता है लड़कियों में, उसमें क्या खाना चाहिए। ये बहुत अच्छी किताब है। अब ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट है, मैं क्या बनूंगी, मैं एक आदर्श लड़की बनना चाहती हूँ, मैं एक संतुष्ट एवं समाज द्वारा सम्मानित नागरिक बनना चाहती हूँ, परिवार वाले चाहते हैं मैं एक सफल गृहिणी बनूँ, पर मैं क्या बनूँगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। पंडिता रमाबाई सरस्वती, जिसको कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू
समझाया गया है, क्या मैं भी सुन रहा हूँ? घर के काम का है कोई दाम? मेरी तुम्हारी हम सबकी आप बीती, मेरी माँ का जीवन, यूँ छूटी शकीला की पढ़ाई, वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? मेरे जीवन पर किसका हक? ये महिलाओं के जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लास्ट में रेज किया गया है कि मेरे जीवन पर हक किसका है। जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपने जीवन पर सबसे बड़ा हक होता है। मेरा शरीर भी मेरा नहीं, मुकाबला पुरुष प्रधान प्रवृत्ति से है, पैट्रियार्की पर इसमें लिखा गया है। एक पिता का खत नवजात पुत्री के नाम, शहीद बलदेव सिंह मान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी करे सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ज़रूरी किताब भी है, जो अब अवेलेबल हो गई है। एकलव्य प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, लेकिन इतनी ही खास बात यह है कि एक और किताब है यहाँ पर, बेटा करे सवाल, इसको भी एक सरसरी नज़र से देखते हैं। अब हम जवान होंगे, किशोरावस्था में कदम, हंसते रुलाते रिश्ते नाते, प्रजनन पर मनन, गर्भाधारण, गर्भ निरोध और गर्भपात, नशे का जोश, खो गया होश, नशे पर इसमें काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, पल भर की मस्ती, यौन रोग से दोस्ती, कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान, कभी खुशी कभी गम, भावनाओं को जाने हम, मर्द हो तो ऐसा खेलोगे कूदोगे बनोगे क्वेश्चन मार्क। अब हम जवान होंगे, किशोरावस्था में तुम्हारा स्वागत है, इसमें भी काफी अच्छे इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं, शरीर के बाल, पसीना मुहासे, खुजली, आवाज का बदलना। किशोरावस्था को डीमिस्टिफाई करने वाली किताबें हैं ये, और इन किताबों का बहुत 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 स्वागत होना चाहिए। जो क्वेश्चन सबके मन में आते हैं किशोरावस्था में, वो भी इसमें लिस्टेड हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। अगर किसी गलत जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसी किताबों के पब्लिक प्लेस में अवेलेबल होने से सभी लोग एक सही इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। किशोरावस्था में कदम, हंसते रुलाते रिश्ते नाते, अभिभावकों से रिश्ता, कुछ खास रिश्ते, और पूरे पहाड़ की संस्कृति यहाँ पर उतर के आई है, किताबों के रूप में, कलाकारों के रूप में, और दोस्तों के रूप में, हम सब मिलकर के जेंडर किताब कौशिक की सार्थकता को सिद्ध करेंगे, किताबों का अवलोकन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें खरीदेंगे। क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर्स जेंडर स्पेसिफिक है, जिनको इन दो जरूरी किताबों में बताया गया है। हेलो, आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में किताब कौथिक की पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है। बहुत ही सुंदर किताब कौतुक पर गाना लगातार पीछे चल रहा है, पर अफसोस कि मैं उसको सुना नहीं सकती, नहीं तो मैं कॉपीराइट वायलेशन कर जाऊंगी। क्या है आपके यहाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। हम एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे नैनीताल और हल्द्वानी के इलाके में। बहुत बढ़िया, बच्चों को हम हैंड्स ऑन तरीके से चीजें पढ़ाते हैं स्पेस एजुकेशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। आपने देखा होगा यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो इससे हम सन देख सकते हैं। और इन नाइट हम इससे सैटर्न, जुपिटर, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा स्टार्टअप है, दो फील्ड में काम कर रहा है, एक तो एस्ट्रो टूरिज्म और एक स्पेस एजुकेशन। स्पेस एजुकेशन के अंदर अभी हम उत्तराखंड में 25+ स्कूल्स में हमारी वर्कशॉप डिलीवर करते हैं, तो हम हैंड्स ऑन तरीके से बच्चों को चीजें पढ़ाते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप मेकिंग, हाइड्रो रॉकेटरी, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट हमारी वर्कशॉप में होते हैं। हम बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर रोवर्स, तो ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, और बाकी एस्ट्रो टूरिज्म के अंदर हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी सेटअप कर दी है। आपको ये आइडिया कैसे मिला कि आपको ये एस्ट्रो में करना चाहिए, एस्ट्रो टूरिज्म में काम करना चाहिए? एक्चुअली जो हमारे फाउंडर्स हैं, ये आइडिया यहाँ से आया था कि हम सिटीज में काम कर रहे थे, सिटीज में, तो वहाँ पे हम कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे थे, उसके
उसके बाद हमको लगा कि पहाड़ों में आना चाहिए और कुछ करते हैं। इससे पहले हम एक और स्टार्टअप पे काम कर रहे थे मनोज, देन उसके बाद जनरली एक आइडिया आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और जो हमारे कोफाउंडर है उन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले काम किया हुआ है। तो आपका कोई फिजिक्स में या एस्ट्रो में कुछ बैकग्राउंड है? जो भी हमारी टीम है सारे इंजीनियर्स हैं और कुछ एस्ट्रो फिजिक्स की डिग्री है उनके पास। और आप कहाँ के? पिथौरागढ़ से हैं। वैसे पिथौरागढ़ वी ऑल आर फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं रानीखेत से हूँ। आजकल एक और रीजन है हमारा, हमने स्टार्ट किया ना, हमने देखा ना कि यहाँ पर पहाड़ों में देखा जाए ना यहाँ जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कोई एक रोजगार दिया जाए यहाँ पर, और कुछ ऐसा देना चाहिए जो बहुत फ्यूचर में काम आए यहाँ पे, ऐसा नहीं अभी के लिए। तो हमने देखा कि शायद स्पेस एजुकेशन ना शायद कुछ बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बड़ा फील्ड है। तो हमने सोचा कि इस पर काम किया जाए, एंड हमारे को फाउंडर्स ने इस पर काम किया, एंड फिर हम लोग जुड़े इससे, एंड हमें बहुत मजा आया। अच्छा, मैं अभी और पूछूंगी आपसे, है ना, तब तक पहले मैं आपका देख लेती हूँ। ये बताइए क्या क्या है ये? ये हमारे ब्रोचर है, ये तो ब्रोचर्स और बुक्स है, ये हमने कुछ बुक्स की हैं। अच्छा, ये एस्ट्रो पाठशाला, एस्ट्रो पाठशाला, अच्छा पाठशाला, पाठशाला। And this is the book for Chandra program. उसमें ये book हमने हमारी टीम द्वारा ही डिजाइन की गई है, तो उसमें बच्चों के लिए बहुत सिंपल तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज की गई है उनके बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। ये है आपका प्लैनेट्स, या प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम, और ये आपके कुछ की चेन्स हैं, ये कुछ हमारे की चेन्स हैं, ये ब्रोशर है, ये क्या है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, डिस्कवर द वर्ल्ड अराउंड अस, ये पोस्टर है आपका, वेरी नाइस। किसने बनाया है ये? एक्चुअली हमारी टीम ने बनाया गया है। अच्छा। तो हमारी टीम में एक्सपर्ट ऐसे कुछ डिजाइनर है, और वन मोर एलिमेंट जो हमारे पास है ये एस्ट्रो कार्ड्स हैं। तो हमने क्या किया मैम, हमने 52 पैक ऑफ कार्ड्स में इसको इस तरह से डिजाइन किया कि इनमें आप देख पा रहे होंगे कि सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक बच्चे इससे खेल भी सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। अच्छा। एस्ट्रो कार्ड्स तो बहुत अच्छा है। एस्ट्रो साइंस को लेकर के बहुत ही दिलचस्प स्टॉल हमने देखा, जिसको उत्तराखंड के यंगस्टर्स ने बनाया है, और वो एक स्टार्टअप है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी उनसे हमको मिलेगी किस तरीके से वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एस्ट्रो को लेकर के, एस्ट्रो साइंस को लेकर के जागृति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। पहाड़ी कलाकार, नमस्कार, ये मैं चेतना जोशी हूँ, मैं एक ब्लॉग है मेरा, तो मैं कवर कर सकती हूँ आपका? बिल्कुल मैम। आप बताइए पहले थोड़ा सा ये क्या है और किस तरीके का काम आपका है। नमस्कार पहले तो सभी को, मेरा नाम जय वर्मा है, मैं डीडीहाट पिथौरागढ़ से आई हूँ, और मैं उत्तराखंड की पहली लीफ आर्टिस्ट। अच्छा, पहली लीफ आर्टिस्ट। अच्छा, थोड़ा सा बताइए क्या होते हैं लीफ? ये जो है पीपल की फैमिली की पत्ती है, जिसे पहाड़ी में कभड़ भी बोलते हैं। ये पीपल पीपल फैमिली का है, पीपल नहीं कह सकते, पर इससे इसमें लीफ आर्ट अभी करीब लॉकडाउन से शुरू किया है दोबारा से मैंने। उससे पहले मैं कपड़े पर बनाती थी फैब्रिक पेंटिंग। ये जो लीफ आर्ट मैंने बनाई है, ये पत्ती ग्रीन लीफ मतलब भिगा के, और क्या उसको ग्रीन प्लस जो उसको होती है उसे हटा के उसकी जाली पर बनाई है। इसकी खासियत ये कि ये जाली पर बनी हुई है, पत्ती की जाली पर, और इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, JAVARMA987 इंस्टाग्राम पेज है। बहुत एक चीज़ आप मुझे बताइए, अच्छा ये जाली में बनाया हुआ है। यस मैम। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसको शुरू करने की? ये तो बड़ा अलग तरीके का नया काम है। यस मैम, ये प्रेरणा मुझे, मैं बनाती तो मैं पहले से ही थी, पर लॉकडाउन से फिर से शुरू करा, मुझे लगा कि सब घर में बैठे हैं, क्वारंटीन है, तो मुझे ये लगा कि हमें भी उत्तराखंड के लिए अगर हम कर सकें अपनी तरफ से, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर सकें कुछ नई चीज़ों में, तो तभी मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। बहुत सुंदर भी है ये आपका, और ये आपने कैसे बनाया है? ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, एम्ब्रॉयडरी में हमने कॉम्बो कर रखा है सुई धागे का, और इसके साथ हमने और बंगाली आर्ट का भी कॉम्बो बना रखा है कुशल कम। बहुत सुदूर इलाके डीडीहाट से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और कितना सुंदर काम उन्होंने किया है, कितना अलग भी नायाब भी, इसको देखने में मजा आ गया। गणेश जी है ये पत्ते पर, ये भी है, ये केदारनाथ है पत्ते पर, नीम करौली बाबा, शंकर भगवान, और पहाड़ी बनाई है हमने, आप दिखा दीजिए अगर उन तक पहुंच जाएगी तो। क्या है ये? पवन पहाड़ी। अच्छा, पवन पहाड़ी, अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आकृति। मैडम आप कहाँ से हैं? अच्छा दौराहाट से हैं आप, तो आपका क्या काम है? मेरा पाइन नीडल वर्क है। पाइन नीडल पर? हाँ जी। अच्छा क्या इसकी खास बात है? ये जंगलों में आग लगने का कारण मतलब माना जाता है पहाड़ में, तो इसको हमने कला के रूप में करके यहाँ के महिलाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बनाया। कितने महिलाओं को रोजगार दिया है? कल महिलाएं काम करती हैं। तो थोड़ा आप दिखाइए क्या बनाया आपने पाइन नीडल से। सारी चीज़ें हैं, पाइन नीडल की बास्केट है, पेन स्टैंड है, इयर रिंग्स हैं, और जो पहाड़ों में बाँज के आप बीज देते होंगे, गिर जाते हैं, बंदर खाते हैं, तो उससे भी हमने इयर रिंग्स। बाँज के बीजों से? हाँ जी। बहुत अच्छा। और ये राखियाँ हैं। तरह तरह के अखबारों में पीरुल से इनके काम को सराहा गया है। चीड़ के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो पहाड़ों में जंगलों में आग लगने का एक बहुत ही मुख्य कारण होते हैं, तो उसको लेकर के तरह तरह के लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और साथ में ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है उसके समाधान की हम तरफ जाएं। तो उसी सिलसिले में ये दौराहाट, ये भी सुदूर का इलाका है अल्मोड़ा ज़िले में, वहाँ से मैडम आई हुई है और उनका सुंदर काम हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मेरा नाम कविता कायद है और मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ और मैं हमारी उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला पे काम करती हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने अलग अलग तरीके का इस पर जो डिज़ाइन करे हैं और जो अलग अलग प्रोडक्ट मैंने इस पर लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर केटल यहाँ पर दिखाई दे रही है सीधे पहाड़ से। हल्द्वानी से ही एक और स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कपड़े पर एपड़ कला दिखाई गई है। हाथ से बनाए हुए सुंदर एपड़ है ये और काम इतना बारीक और प्रिसीजन से है कि ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये हाथ से बनाए हुए हैं और इनको बनाने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वीडियो की आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ओरिजिनल आवाज़ मुझे हटानी पड़ी है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उस स्टॉल में मौजूद थी और जो बहुत ही नई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। उत्तराखंड की एपण आर्ट एक लुप्त होती हुई कला हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जिसने इसको एक तरीके से फिर से इस्टेब्लिश कर दिया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। पूरी दुनिया भर में इसका काफ़ी नाम हो गया है और ये जो किताब कौतिक है इसमें किताबों के साथ साथ कल्चर का भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुद्धिस्ट फ्लैग के तर्ज पर यहाँ पर बनाया हुआ ये है जिसमें नौ देवियों का है ना तोरण है, नौ देवियों का तोरण है। ये पूरा उत्तराखंड है, बहुत सुंदर। उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो फ्लैग है इसमें पहला है ओम, फिर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ब्रह्म कमल, नीम करौली बाबा, माँ नंदा, सुनंदा, बुरांश, गंगोत्री, यमुनोत्री और स्वस्तिक। ये मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लगा है और इस वीडियो को देखते समय मुझे लग रहा है कि इसको मुझे एक वहीं पर ले लेना चाहिए था। मेरा नाम योगेश शाह है और मेरे ब्रांड का नाम हिलक्रॉप्स है। हम हिलक्रॉप्स के माध्यम से हमारे संग यहाँ पहाड़ के 4,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और मैम हमने ये कोशिश करते हैं पहाड़ के जो उत्पाद हैं, पहाड़ का मड़ुआ, पहाड़ का राजमा, पहाड़ की चाय, इनको हम एक अच्छी मार्केट हम दिलवा सकें। तो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ से उत्तराखंड से बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, उन मार्केट में हम लोग यहाँ से ये मटेरियल हम लोग यहाँ सप्लाई करते हैं। अब कहाँ पर बेस्ड हैं? मैं हल्द्वानी बेस्ड हूँ। तो कुछ दिखाइए आपका क्या यूनिक है। जैसे ये हमारा मुंशियारी का राजमा है। मुंशियारी का राजमा है, ये तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी गलता है। ये जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। अच्छा, जीआई टैग है। और जैसे पहाड़ की एक बहुत ही लाल है, इसमें एक पहाड़ का काला भट है, इसको खाली पहाड़ में नहीं खाया जाता है, इसको कोरियंस, आपके मैक्सिकन रेस्टोरेंट, टोफू, टेम्पे, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है और मार्केट में आता है। उसके अलावा ये रेड राइस वगैरह है, ये भी पहाड़ से हमारे पास आता है, पहाड़ के किसानों से आता है। ये मैम पहाड़ की हल्दी है जो पूरे तेल के साथ में रहती है, इसमें कर्क्यूमिन लेवल बहुत हाई रहता है। इसके अलावा मैम हमारी ये चाय है दिल्ली के ताज होटल में सर्व होती है, वहाँ के मेन्यू में। ताज ताज होटल में सर्व होती है? दिल्ली के ताज होटल में सर्व होती है, उनके मेन्यू में है, रेगुलर मेन्यू में है। अच्छा, ये पहाड़ का जैसे कैमोमाइल है हमारा, आपका मसाला चाय है, इम्यूनिटी वगैरह है, ये सब
दिल्ली के 5 सितारा होटल में और भी कई जगह हाई एंड रेस्टोरेंट में ये सर्व होती हैं। तो हम लोगों ने मैम यहाँ एक ऐसा मॉडल डेवलप कर लिया कि हम जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं कि हम जिनको एक अच्छी मार्केट्स में और एक अच्छे एंड यूज़र और अच्छे कस्टमर्स हैं उनको पहुँचा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हिल क्रॉस नाम है आपके इसका स्टॉल का। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना आपसे, कोई कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जिनका अनाउंसमेंट हो गया है, लाइव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन पर भी एक नजर डाल डॉक्टर। प्रोग्राम्स अपने पूरे जोर शोर पर हैं और बहुत ही सुंदर पारंपरिक कपड़ों में सज धज के लोक कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका का स्टॉल लगा हुआ है, चलिए चलते हैं उनसे पहरू के बारे में बात करते हैं। हमारी एक संस्था है कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति प्रसार देवी अल्मोड़ा। तो इस संस्था के तहत कुमाऊनी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारी संस्था है ये कुमाऊनी मासिक पत्रिका है पहरू, ये पहरू पत्रिका है, इसका प्रकाशन करती है, हर महीने मासिक छपती है। इसमें कुमाऊनी में लिखने वाले जितने भी लेखक हैं हमारे, उन लेखकों की रचनाएं छपती है। ये म्योर पहाड़ म्योर पछाड़ भी आपका है ना? ये हाँ, ये मतलब जो गिरीश चंद्र भगुणा उत्तरांचली इसके लेखक हैं, वो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहरू क्वीर म्योर पछाड़ म्योर सदाबहार लोकगीत जी। इसमें ये जो महिलाएं जो हमारी कुमाऊनी रचनाकार हैं, ये 80 साल से जो महिलाएं कहानियाँ लिख रही हैं उनकी रचनाएं इसमें संकलित हो गई हैं। तो इसमें ये कुमाऊनी भाषा में जो हमारे जो पहरू पत्रिका छपती है इसके संपादक है डॉक्टर हया सिंह रावत, और प्रबंध संपादक के रूप में मैं महेंद्र त्रिपाठी काम कर रहा हूँ। और इसमें कुमाऊनी में जितने भी हमारे मुख्य रचनाकार हैं, जैसे ये देवकी मेहरा की ये किताब है यादों बरियात, ये कविता संग्रह है कुमाऊनी में, बहुत सभी हैं। और ये कुमाऊ ये डॉक्टर जगत कृष्ण जी है, पुराना है जी, ये 15 साल हो गए हैं हमारे। और कहाँ पर है बेस्ड? ये अल्मोड़ा में। अच्छा, आप अल्मोड़ा से आए हैं जी। संस्कृति और संगीत समायोजन किताब प्रतीक हजारी आयोजन होना गो एच एन इंटर कॉलेज में 16-17 मार्च 2024 को हम सब लोगों ने जरूर आया और ये किताब प्रतीक का भविष्य में हम लोग बोलना गया किताब प्रतीक हजार में। और ये अपना सुना अशोक उनके काव्यांग विवेचन देव भी हिंदी पर्याय बच्ची कोश, ये हिंदी का साहित्य है आपका? हिंदी का साहित्य है किताबें नहीं मैम, हमारा ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, टूरिज्म, हम लोग टूरिज्म। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लाइफ इज एडवेंचर, वेरी नाइस। किताब कौतिक का फॉर्मल इनॉग्रेशन का अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, तो एक झलक इसकी भी देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। पांगती जी, हमारे जो कुमाऊं की संस्कृति रही है, फॉर्मल इनॉग्रेशन हो गया है किताब कौतिक का, और अब बढ़ते हैं आगे उन स्टॉल्स की तरफ जिनको मैं अभी तक नहीं घूम पाई। किताब कौतिक
अध्ययन घर सामने दिखाई दे रहा है। स्टॉल 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ है, ऑफकोर्स वो ओपन नहीं रहता होगा। हमारे समाज के आधार और आप कहाँ से आए हैं और ये क्या उसके पीछे की क्या धारणा है आपके जो ये है? हमारे स्टोर का नाम है बिब्लियोमैनिक द बुक स्टोर, हमारा दुर्गा सिटी सेंटर में स्थित है। हम एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं जिसकी 3 यूनिट है, 2 है दुर्गा सिटी में, 1 है तिकोनिया में। ठीक है मैम, हमने इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले करी थी हिंदी साहित्य में। हमसे अच्छा आर्टिकल पूरे हल्द्वानी में कोई नहीं रखता है, पूरे हल्द्वानी के पूरे आपको कुमाऊं में किसी के पास नहीं मिलेगा। आपसे अच्छा क्या आर्टिकल जो आपको साहित्य हमारे पास मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और अच्छे से अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा। यहाँ के जो ये कल्चर है लोग भूल गए थे किस कल्चर को, साहित्य को पढ़ना, तो इसको हमने आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। हम अपने जब कुमाऊं के राइटर हैं हम उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और बाकी आप हमारी ये देखिए बुक्स में एक बार आप एडविना और नेहरू, निर्मला जैन ने अनुवाद किया है, कैथरीन क्लेमा की किताब है ये। कोई अच्छा सा लड़का विक्रम सेठ, ये विक्रम सेठ की बहुत ही जो पॉपुलर अवार्ड विनिंग किताब थी सूटेबल बॉय, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। महामानव सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक जरूरी किताब यहाँ पर है। गढ़वाली मुहावरों कहावतों का बृहद संग्रह, चांद पागल है, राहत इंदौरी, राहत इंदौरी अब नहीं रहे उनकी, चांद पागल है करके एक कृति है जिसमें उनकी शायरियाँ नज़में यहाँ पर संकलित हैं। अच्छी किताब मुझे यहाँ पर दिखी है जिसका नाम है दर्रा दर्रा हिमालय। ये हिमालय के अजय सोडानी जी के दो हिमालय यात्राएं इसमें दर्ज हैं। बिब्लियोमैनिक हल्द्वानी का पॉपुलर बुक स्टोर है, ये पब्लिशर नहीं है, इसलिए इसमें अलग अलग तरीके के नॉवेल, ट्रैवलॉग्स, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, इंग्लिश की रचनाएँ यहाँ पर मौजूद हैं। पॉपुलर लिटरेचर भी यहाँ पर काफ़ी है। हल्द्वानी के इतिहास से संबंधित कुछ बातचीत यहाँ पर होने वाली है, चलिए उसकी भी एक झलक ले लेते हैं। अपनी बात रखने के लिए हमारे मध्य होंगे डॉक्टर प्रिया जोशी जी और डॉक्टर गिरीश चंद्र शर्मा जी, और इस संच का संचालन कर इस सत्र का संचालन करेंगे हिमांशु पाठक रिस्की जी। सर हम बात करें कत्यूरी और चंद राजाओं की, तो ये क्षेत्र क्या रहा होगा, क्योंकि हमको पता है पहाड़ में तो राजा कत्यूरी वंश या चंद वंश राज करते थे, लेकिन ये माल है, भावर है जो कहते हैं, यहाँ कैसा रहा, यहाँ कौन राज करता था या क्या करता था, आप थोड़ा बताइए इसमें। कत्यूरी जिनको हम कहते हैं, सही सही यह मालूम नहीं है, कत्यूरी एक जाति है या कोई एक संप्रदाय है स्पष्ट नहीं है। कत्यूर और कत्यूरी शब्द पुराने समय से है, माने हमारे उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में कत्यूरी राजवंश सबसे पुराना वंश है। उससे पहले पौराणिक काल में या वैदिक युग में या बौद्ध युग में किस तरह का था यहाँ का, वो अलग बात है। वो बृहत्तर भारत से जुड़ा हुआ इलाका था। स्पष्ट रूप से कत्यूरी वंश वह पहला शासक है उत्तराखंड का। कत्यूरी वंश का जो पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है पुरातात्विक, वह है उनकी राजधानी जोशीमठ के पास कहीं थी, और उनके को लिखे हुए ताम्रपत्रों के रूप में वो उपलब्ध है और पढ़े गए हैं। पांडुकेश्वर से वो खोजे गए हैं और बद्रीनाथ के मंदिर में रखे हुए हैं, सातवां ताम्रपत्र है। उसको हम आदि कत्यूरी वंश के राजा कहते हैं। बाद में वहां से वो दो हिस्सों में बटे, एक हिस्सा तो कत्यूर में आया, जिस कत्यूर को आप जानते हो, आप बिचल्ला कचूर है और ऊपर वाला कचूर है जो बागेश्वर से ऊपर है सामाधुरा भरारी तक, और बीच का कचूर है जिसमें गरुड़ और बैजरा चलाते हैं, ये तीन तीर्थ। और
कत्यूर का, इस कत्यूर का उल्लेख इतिहास में होता है और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ये शब्द आता है। समुद्रगुप्त जो गुप्त काल का बहुत बड़ा राजा था, ईसा के बाद की तीसरी शताब्दी की है ये लोग, वह कहता है मेरे राज्य का आखिरी सीमांत राज्य है कत्यूर, कर्त्रीपुर उनको शब्द कहा उन्होंने कर्त्रीपुर। इस कर्त्रीपुर नाम के तमाम उल्लेख मिलते हैं इतिहास में, लिखित उल्लेख भी है, ये उसको हम मध्य काल के कत्यूरी करके समझ रहे हैं। उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश पर हो रही दिलचस्प बातचीत की एक झलक लेने के बाद अब वापस चलते हैं बुक स्टॉल्स पर। साइंस क्लब में अभी काफी भीड़ है तो सीधे चलते हैं नक्षत्रा स्टॉल पर। तो ये पहले तो ये चंद्रयान का आपने क्यों लगाया हुआ है ये थोड़ा बताइए। यस, तो वेलकम टू नक्षत्रा। नक्षत्र जो है एक अल्मोड़ा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक हमारा जो स्पेस एजुकेशन वाला प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ स्पेस एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बच्चों के साथ वर्कशॉप, सेमिनार और कुछ एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं, और साथ में हम लोग एस्ट्रो टूरिज्म में को उत्तराखंड में प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने किसार देवी में, चूँकि हमारा प्राइमरी ऑफिस अल्मोड़ा किसार देवी में है, तो उसके अलावा हम लोग कौसानी, मुक्तेश्वर, इन सब एरियाज पे भी अपनी ऑब्जर्वेटरीज़ के थ्रू बच्चों के साथ और उनके साथ पेरेंट्स, खासकर जो सिटीज़ में रहते हैं और माउंटेन्स में घूमने आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो रेगुलर हमारी होती है। तो यहाँ पे आज किताब कौती का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक एग्जीबिशन भी कह सकते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने सेल के लिए रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे स्टॉल पे आपको इन्फोग्राफिक पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, हमारे पास बुक्स हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, हमारे पास बायनोकुलर्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं जो कि बच्चे और पेरेंट्स आके खरीद भी सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में हमने बच्चों के लिए सोलर ऑब्जर्वेशन का प्रोग्राम दिन में रखा है जो कि सामने हमारा चल रहा है, और साथ में इवनिंग पे हमने बच्चों के लिए स्टार गेजिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, जो उस तरफ है वो आपका ही स्टॉल? वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ चल रहा है। हमारे पास भी और शाम को हम लोग मून और प्लैनेट्स के देख रहे होंगे और साथ में स्टोरी टेलिंग का सेशन भी हमारा सामने। अच्छा, तो ये आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, नक्षत्र जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपका आपने सेटअप किया है, तो ये क्या कंपनी है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट है? नो, ये फॉर प्रॉफिट, बट आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, तो हम लोग बहुत मिनिमल प्राइसेस पे बच्चों के साथ स्कूल्स में, कई बार हम लोग कुछ कुछ स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहाँ पर है आपका मतलब बेस, कहाँ पर है? हमारा अल्मोड़ा उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में, किसार देवी में। तो कुछ लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो हम लोग अलग अलग स्कूल्स पे एक्टिविटीज भी कराते हैं। तो ये, और आप कहाँ से हैं? मैं, मेरा घर जो है कौसानी, जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो उसमें राकेश। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि आपकी क्या ऐसी कोई बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप कैसे आपने मतलब, ये तो बहुत अलग फील्ड है ना कि एस्ट्रो टूरिज्म का, तो इसमें आपने कैसे आप आए इसमें? मैंने बेसिकली अपना पूरा जो स्टडी है फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में किया हुआ है। कहाँ से किया? मैंने अपना मास्टर्स जो है हेमवती नंदन बावगुणा श्रीनगर में, तो मैंने अपना मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम एरिस पे भी, मुझे कुछ टाइम वहाँ पे एक्सपोजर मिला कुछ लोगों के साथ काम करने का, एक तरीके से कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिसर्च। उसके बाद मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, जैसे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस, खासकर साइंस एजुकेशन की बात करें तो पहाड़ के जो बच्चे हैं वो काफी पीछे रह गए हैं, क्योंकि मैं जब स्कूल में जाता था या मेरा पहला टेलीस्कोप के साथ इंट्रोडक्शन तब हुआ जब हम लोग मास्टर्स में गए, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिली। लेकिन एक हमारी इस इनिशिएटिव के थ्रू एक कोशिश है कि
पहाड़ के बच्चों को ये एक्सपोजर मिले और वो साइंस एजुकेशन पे ज़्यादा बेहतर कर पाए, बेहतर करियर का चुनाव कर पाए। तो ये हमारे छोटे से ऑल द बेस्ट। कितने साल हो गए आपके? 2016 में हमने स्टार्ट किया था, बट इनिशियल जो 2-3 साल थे वो एक तरीके से ये कह सकते कि एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, एक हॉबी के तौर पर हमने उसको स्टार्ट किया था। लेकिन फिर प्रोफेशनली हमने उसको 2021 से स्टार्ट किया था, कोविड के जस्ट बाद। आप वही जहाँ के आप हैं वहीं पर आपने बेस बना के काम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच राकेश जी। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मुझे पता चली कि उत्तराखंड एस्ट्रो टूरिज्म के भी हब के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि 2 स्टॉल यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो एस्ट्रो से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन्होंने यंगस्टर्स ने नए सेटअप किए हैं, उन्होंने लगाए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पहाड़ों का जो साफ मौसम है वो इसके लिए एक आइडियल जगह बनती है, पहाड़ों की नीली साफ रातों से चंद्रमा, तारे और माउंटेन्स देखने के लिए। द बुक ट्री का स्टॉल यहाँ पर सामने है, चलिए अब इसमें चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या नया पता चलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, विम्पी किट्स, डायरी ऑफ विम्पी किट्स, पॉपुलर किताबें बच्चों की यहाँ पर अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री, मौसी के मोजे, वर्ल्ड रिलीजन्स, ये बहुत ही दिलचस्प किताब लग रही है। बुद्धिज्म, जूडेज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म, शिंतोइज्म, मैंडेनिज्म, सिख, बहाइज्म, नेचर रिलीजन्स, ये सारे रिलीजन्स इसमें कवर किए गए हैं। क्रिश्चियनिटी से ये किताब स्टार्ट होती है, बहुत ही ग्लॉसी पेपर पर बहुत ही शानदार पिक्चर्स के साथ ये किताब छपी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली चर्च, पर्सिक्यूशन ऑफ द क्रिश्चियंस, डेवलपमेंट ऑफ मोनास्ट्रीज एंड रिलीजियस ऑर्डर्स, रिफॉर्मेशन, की एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी, द चर्च ऑफ द 3rd मिलेनियम, द प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लामिक बिलीफ एंड फिलोसफी, इस्लाम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ, द शरिया, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट एरा इन हिंदुइज्म, कर्मा, डेथ एंड री इंकारनेशन, लाइफ इन द हिंदू फेथ एंड द कास्ट, हीन यान एंड महायान बुद्धिज्म, ये वर्ल्ड रिलीजन पर काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है और इसके पब्लिशर हैं पैरागॉन पब्लिकेशन की ये किताब है। अगर हम दुनिया के अलग अलग धर्मों को समझने का एक प्रयास करें उन धर्मों के इतिहास और उनके फैलाव के साथ, तो शायद हम दूसरे धर्मों से नफरत नहीं कर पाएंगे, नफरत कम होती जाएगी। इस लिहाज से भी ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट किताब है। आप इसके चटकदार कलर्स को देखिए, इसकी बहुत ही अच्छे पिक्चर्स को देखिए, ग्लॉसी पेपर तो बहुत अच्छा है ही इसमें, तो इन सब चीज़ों ने मिल करके इसको काफ़ी ज़्यादा जीवंत बनाया है। काफ़ी लोग किताब कौतिक में पहुंच चुके हैं और अच्छी खासी बिक्री भी अब यहाँ पर चल रही है। गौरी लंकेश, मेरी नज़र से, पर्यावरण के पाठ, अनुपम मिश्र, बहुत ही बेहतरीन किताब है। रजा पुस्तक वाला है,
यहाँ से अब चलते हैं शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब में। हमारा वो शिवालिक चाइल्ड साइंस क्लब के नाम से बेसिकली हम काम क्या करते हैं पहले बता देते हैं कि हमारा काम रहता है, जैसे मैम गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं वहाँ बच्चों तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं जो उन तक पहुँचनी चाहिए, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए वर्कशॉप लेके जाते हैं। हमारी वर्कशॉप मेनली कंडक्ट होती है साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, जो चीज़ें हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हमने स्कूल में देखा है कि लैब्स हैं तो लैब्स खुल नहीं रही हैं और कई स्कूल में लैब्स हैं नहीं, तो किताबों में जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं उनको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं वो हम उन्हें सिखाते हैं। तो आप स्कूलों से टाई अप करते हैं और वहाँ पर जाते हैं, टाई अप करते हैं। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई? जी मैम, शिवालिक चाइल्ड साइंस। शिवालिक साइंस साइंस क्लब। तो ये क्या कोई एनजीओ है या फिर एनजीओ कह सकते हैं? और कहाँ पर बेस्ड है ये? रुद्रपुर में है। ये हमने ले लिया पानी हाइड्रो, ये हमने ले लिया ऑयल जो कि हाइड्रो फोबिक है, पानी में घुलनशील नहीं है। आप मुरादाबाद से आए यहाँ, सिर्फ हम ही लोग हम इसको कितना भी ट्राई कर लें ये नहीं घुलेगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। अब हम ऐसा तरीका निकालें कि ये पानी जो है ऑयल में घुल जाए, वो कैसे हो सकता है? शैम्पू सोप का यूज़ करके, कि सोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3C17H35CONA, जिसमें कि C17H35 हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और जो COONA है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो जो ऑयल है वो इसके जो हाइड्रोफिलिक नेचर का पार्ट है उसके साथ जुड़ जाता है और जो वाटर है वो हाइड्रोफिलिक के साथ। तो हम जैसे ही इसको इसमें डालेंगे तो हम समर्थ हो जाएंगे इसको मिक्स करने में। घुल गए। आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखा रहे हैं? इस तरीके। वेरी नाइस। डॉक्टर गिरीशचंद शर्मा, देवात्मा हिमालय, पत्नी का सम्मान, गृहस्थी का उत्थान, इससे तो सही ज़्यादा बात कोई हो नहीं सकती। पत्नी का सम्मान, गृहस्थ का उत्थान, अध्यात्मवाद ही क्यों, बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। अच्छा अच्छा, आप लोग गायत्री वहाँ हरिद्वार से आए हैं? मैं क्या हूँ? श्री राम शर्मा आचार्य जी की बोल रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, हमने जो जन्म लिए हैं किस लिए, ये हम लोग नहीं जानते। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा हाथ, मेरा हाथ यानी मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा मुंह यानी मैं मुंह नहीं हूँ, मेरा पैर यानी मैं पैर नहीं हूँ, मेरा शरीर यानी मैं शरीर नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। आध्यात्मिक किताबें यहाँ पर हैं। हम लोग जो जन्म लिए हैं किस लिए हैं, इसमें थोड़ा सा संक्षेप में गुरुजी ने बताने की कोशिश की है, समझे अपना उद्देश्य, जन्म लेने का उद्देश्य समझे और उस हिसाब से जिंदगी यदि हम लोग जिए तो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सही बात है। बहुत बड़ी ही सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं इस तरफ। उत्तराखंड कल्चर पे दिखा रहे हैं हम लोग ये पेंटिंग। ये उत्तराखंड कल्चर क्या है, क्या पहनावा है उनका, क्या टेंपल्स हैं, ये सब पुराने, ये सब दिखाया है। किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप? संस्था ने। तो कैसे आपने, मतलब बच्चों ने बनाए हैं ये जी? लेकिन आपने, किसने बनाए हैं ये? ये हम सब लोगों ने ग्रुप में मिलके बनाए हैं। आपने भी बनाए हैं? जी जी। अच्छा, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और अच्छा, ये आपने बनाया है तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो ये तो आपने नाम लिखा है इसमें? जी जी, रीना दिवाकर। रीना दिवाकर, वाह। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई, मैं सोच ही रही थी बहुत सुंदर बनाया है। माँ गायत्री फाउंडेशन एनजीओ, क्या काम है? शिका बंगोला है, मैं माँ गायत्री फाउंडेशन से हूँ। हमारी ओनर मैम है शशि द्विवेदी जी। अच्छा। और हम बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, 11 12th के बच्चों को क्रैश कोर्स फॉर जेई मेंस एंड नीट। कोई फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो केपेबल नहीं है कहीं बाहर कोचिंग में पैसा देने की, हम उनको पढ़ा रहे हैं। और ऑलरेडी हम अभी छोटे बच्चों को, जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। ये आप कहाँ पर है? आपकी कॉलोनी? अच्छा, हल्द्वानी में। हाँ जी, हल्द्वानी में ही है।
अच्छा भट्ट कॉलोनी तो पास में ही है, बुखानी से थोड़ा आगे है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यहाँ आपने कुछ फिजिक्स के और ये सब लगाए हुए हैं? ये बुक्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री में बच्चों। बढ़िया। और ये आपका माँ गायत्री फाउंडेशन क्रैश कोर्स? बढ़िया। एपड़ प्रबोधिनी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रहा है? तो आपने क्या क्या दिखा रही है इसमें टेक्नोलॉजी में? ये है 3D प्रिंटिंग। क्या है? 3D प्रिंटर है ये। 3D प्रिंटर है, अच्छा। जैसे टेक्नोलॉजी जो भी हम चीज बना रहे हैं, हर बच्चा सीखे की क्या है ये चीज, क्योंकि इंटरेस्ट तो सबका होता है लेकिन उसको जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। ये बच्चे भी जो भी कर रहे हैं खुद ही से सेल्फ लर्निंग से सीख रहे हैं। आप कहाँ पर बेस्ड है? ऑफिस? हाँ, ऑफिस हमारा है अच्छा हल्द्वानी। हल्द्वानी ये है हाइट मेजरमेंट सेंसर है, रेन डिटेक्टिंग सेंसर है, डिस्टेंस डिटेक्टिंग ग्लास फॉर ब्लाइंड पीपल, सीएनसी प्लॉटर फॉर मेकिंग थिंग्स, और ये आरसी प्लेन है। अच्छा आरसी क्या होता है? रिमोट कंट्रोल। अच्छा रिमोट कंट्रोल। 50 ग्राम से ऊपर भी जितने भी लोगों के लाइसेंसिंग गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की मशीन। तो ये किसने बनाया है? ये हमारे एपन प्रोबोधिनी के लोग हैं, हम सबने खुद पहले सीख रखा है उसके बाद। अच्छा एपड़ प्रबोधिनी नाम तो मुझे लग रहा था ये कुछ एपड़ आर्ट का कुछ। हमने इसलिए लिया क्योंकि उत्तराखंड के कल्चर से हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। अच्छा ये है आपका ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट का, ये ना हमारे क्विज खेल सकते हैं, ये क्विज ऐप भी हम लोगों ने खुद बना रखा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए बड़े ही दिलचस्प तरीकों से काम हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा तलाश थी, आपड़ी रसोई, मतलब कुछ खाने पीने का सामान, मतलब कि अब टाइम है कुछ खाने पीने का। ये राजमा चावल है और राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, चाउमीन है और बर्गर है। ये ऑर्डर के साथ होता। दोस्तों इसी के साथ मेरा शॉर्ट ट्रिप इस बुक फेयर में बहुत ही खूबसूरत रहा, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली। अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, बाय।